नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। दमोह में होने जा रहे उपचुनाव में भाजपा भारी मतों से जीत का परचम फहराएगी, ये कहना है जबलपुर के सांसद राकेश सिंह का। जबलपुर पहुंचे राकेश सिंह ने कहा है कि दूसरे उपचुनाव की तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की अगुवाई में दमोह उपचुनाव में भी भाजपा भारी मतों से जीतने जा रही है, क्योंकि जनता को भरोसा है कि भाजपा की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश में सुशासन दे सकती है और विकास कर सकती है। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को स्टार प्रचारकों की सूची में 10वें नंबर पर रखने को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर राकेश सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि नंबरों के खेल में कांग्रेस बुरी तरह पिछड़ चुकी है और कांग्रेस ने यदि जनता के विश्वास का नंबर देख लिया होता तो आज पार्टी की इतनी दुर्दशा नहीं होती। लोकसभा के मुख्य सचेत और सांसद राकेश सिंह ने कांग्रेस में जारी घमासम पर भी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अंत विरोधी और अंत कलह दोनों से ग्रसित है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो या फिर दिग्विजय सिंह, वे आपस में लड़ तो सकते हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस अंतर विरोध और अंतर कलह दोनों से ग्रसित है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आत्मविश्वास से भरा हुआ है और बाकी के उपचुनाव की तरह दमोह में भी शिवराज जी के नेतृत्व में, पार्टी अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता को अब इस बात का पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सुशासन दे सकती है, विकास कर सकती है। और इसलिए अब कमलनाथ जी हों या दिग्विजय सिंह जी, ये आपस में आप परस्पर लड़ तो सकते हैं, जनता का विश्वास नहीं जीत सकते। पीसी शर्मा जी का अपना या कांग्रेस के नेताओं का अपना डर स्वाभाविक है। उनके पास ऐसे चेहरे ही नहीं हैं जिन्हें वो दमोह के चुनाव में भेज सकें, लेकिन हमारे पास, हम बाहर के लोगों को भेजें या ना भेजें, जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, शिवराज जी के साथ है। हमारी एक परंपरा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं पर भी चुनाव होता है तो जनता के बीच में जाता है, तो स्वाभाविक रूप से पार्टी जब तय करेगी तो बाकी के नेता और कार्यकर्ता भी जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि ये नंबर का खेल क्या है। इन नंबरों के खेल में ही कांग्रेस इतनी पिछड़ गई, वो बस यही देखती रह जाती है। अगर उसने जनता के विश्वास के नंबर कहीं देख लिए होते कि जनता के विश्वास में वो किस नंबर पर खड़ी है, तो उसकी आगे दुर्दशा नहीं होती। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।